ये आयत मेरा हौसला है, वह मकाना रब्बों का नसीया, और तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज के नए ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ, और आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। ब्लॉग तो छोटा सा है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज हम सब ना कहीं आए हुए हैं, हमारी ये पूरी फैमिली है जो कि मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है। ब्लर करने की वजह आप लोग सबको पता ही है कि कैमरे के सामने कोई नहीं आना चाहता है, और अच्छी बात नहीं है क्योंकि मैं भी कैमरे के सामने नहीं आती हूँ। हाँ जी, तो हमें बात करी थी कि हम सब कहीं आए हुए हैं, और हम कहाँ आए हुए हैं, हम सब आए हुए हैं लड़की वालों के घर। और सब के आने की वजह ये है ना कि छोटे देवर की निकाह की डेट रखने के लिए हम आए हैं, और जो निकाह की डेट है ना वो बहुत ही करीब करीब निकाह होने वाला है, और निकाह जो बहुत सादगी से होगा, 20 दिन के अंदर ही निकाह की डेट फिक्स की जाएगी। इसलिए अचानक ही ये न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को वीडियो में नज़र तो आ ही रहा होगा, थोड़ा सा मैंने ब्लर किया हुआ है बट थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा। बारी बारी हम सब बैठकर जो रस्म होती है ना छोटी मोटी सी, वो रस्म अदा कर रहे हैं, उसके बाद डेट फिक्स रखी जाएगी। डेट क्या होगी ये मैं बाद में आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी, अभी क्योंकि डेट रखा नहीं है, अभी मुझे फाइनली डेट पता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से इस ब्लॉग में डेट नहीं शेयर कर पाऊँगी। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि शादी इससे 20 दिन के अंदर निकाह है, और पता है सालों के बाद हमारे घर में इस तरह की थोड़ी सी खुशी आई है, मतलब कि देवर की शादी है, और शादी जो है शादी से हो रही है बट वलीमा जो है वो हॉल में होगा और थोड़े अच्छे से होगा। बाकी जो सारी रस्मात और जो सारी खुशियां हैं ना वो हम वलीमे में पूरी करेंगे। अभी शादी से निकाह होगा, जो कि हमारा निकाह जो है ना हमेशा से शादी से ही होता आया है, मतलब हम बटानों में ये होता है ना कि निकाह पहले होता है, रुख्सती बाद में होती है, तो इसी तरह निकाह होगा और निकाह मस्जिद में होगा। और पता है कि इतनी सादगी से निकाह करने की वजह भी ये है ना कि लड़की वालों ने डिमांड रखी थी कि निकाह जो है ना हम सादगी से ही करेंगे, बाकी जो खुशी है ना आप लोग अपने घर में करना है। तो हम सब इस बात पे राज़ी हो गए, मतलब कि घर के जो बड़े हैं वो सब राज़ी हो गए इस बात के, ठीक है सादगी से निकाह कर लेते हैं, रुखसती भी हो जाएगी उसी दिन, उसके बाद रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा जो कि हम अपने तरीके से करेंगे। और अभी मैं आई हूँ अपने ससुराल, और ये मेरी सास बैठी हुई हैं, बड़ी नंद आई हुई हैं, देरवानी है, और यहाँ पे मैं दुल्हन की शॉपिंग दिखा रही हूँ, जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, डेट तो रखा गया था और जो मैंने आगे व्लॉग शेयर किया था वो डेट फिक्स कर दिया था, और अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो दो दिन के बाद का व्लॉग दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, मैं बाकी चीज़ आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, तो इसलिए ये शॉपिंग मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। थोड़ी बहुत यहाँ पर शॉपिंग की है, शॉपिंग करने मैंने गई थी, मेरी बड़ी नंद गई थी और छोटी देवरानी गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है, मैंने मना कर दिया था कि मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी, आप लोग जाकर जो शॉपिंग हो कर लेना। तो ये सैंडल है, बाकी के कैजुअल यूज़ के लिए इन लोगों ने कपड़े लिए हैं जैसे कि दुल्हनों के होते हैं, तरह के सूट है, और जो सूट है मैं आप लोगों को बारी बारी खोल कर दिखाऊँगी। ये दो सैंडल है, एक वलीमा एक बारात का, और शॉपिंग भी अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस लिमिट में एक शॉपिंग होगी जो कि दुल्हन की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी हम अभी शॉपिंग करेंगे, बाकी वो खुद आकर खरीद देगी, शॉपिंग करेगी अपनी पसंद की, जो उसको चाहिए होगा, जो उसको ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अभी शॉपिंग नहीं करेंगे, बाकी खुद आने के बाद वो अपनी शॉपिंग खुद करेगी। जो अभी की ज़रूरत के हैं वो सारी शॉपिंग हमने की है, वलीमे का बारात का ड्रेस है और एक दो ड्रेस हमने एक्स्ट्रा लिया है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सारे ड्रेस जो है ना इस तरह के शादी के बाद जो दावतें होती हैं ना उनमें ये आराम से पहन सकती है, स्टिच करना होगी बस, इसे स्टिच करना है, तो स्टिच भी जो मेरी बड़ी नन करेंगी वो बहुत एक्सपर्ट है सिलाई करने में, तो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, वैसे सिलाई हम सब भी कर लेते हैं बट मेरी बड़ी नन जो है ना बहुत अच्छी सिलाई करती है, तो ये सारे कपड़े वो सिलाई करेंगी, और जो बाकी जो नॉर्मल कपड़े हैं वो मेरी छोटी देवरानी सिलाई करेगी, बारात और वलीमे का कपड़ा जो है मेरी बड़ी नन सिलाई करेंगी। और अभी जो मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा रही हूँ पूरी शॉपिंग नहीं है, अभी पूरी शॉपिंग बाकी है, मतलब कि और मज़ीद शॉपिंग करना बाकी है क्योंकि सारी चीज़ें अभी नहीं आई हैं, चूड़ियाँ बाकी हैं, बारात की ज्वेलरी बाकी है, और भी एक दो ड्रेस बाकी है तो वो लेना है, निकाह का ड्रेस नहीं आया वो लेना है क्योंकि निकाह का ड्रेस अलग होगा, बारात का अलग है, वलीमे का अलग है, तो वो सारी तैयारियाँ जब हो जाएंगी ना और ये सारे कपड़े स्टिच हो जाएंगे उसके बाद मैं ब्लॉग आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बारात का सेट भी मैं दिखाऊँगी, ये जो सेट मैं दिखा रही हूँ ये वलीमे का सेट है, यानी कि जो मैं ज्वेलरी दिखा रही हूँ इसकी बात कर रही हूँ, ये वलीमे की ज्वेलरी है, और वलीमे की ज्वेलरी में हमने बहुत ज़्यादा हेवी ज्वेलरी नहीं ली है, थोड़ा लाइची है, उसके बाद एक दो ड्रेस और रहते थे वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये कॉटन लॉन में मैं एक ड्रेस दिखा रही हूँ, थ्री पीस कॉटन लॉन का ड्रेस है फुल, और ये नेक लाइन में आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, इसका जो कंट्रास्ट है एम्ब्रॉयडरी का बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कि कैजुअल यूज़ के लिए हमने लिया है, और इसके साथ ही जॉर्जेट का दुपट्टा है जो कि ब्लू कंट्रास्ट में है, उसका कंट्रास्ट बहुत ही कमाल का है, ज़बरदस्त लग रहा था कलर, और वैसे नई दुल्हनों पर इस तरह के ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस तरह हमने शॉक कलर लिया है, और लाइट कलर में भी हमने ड्रेस लिया है जो कि लाइट कलर भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये रहा, ये लॉन पे है और इसके नेकलाइन में एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं कंट्रास्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, इसका जो दुपट्टा है वो भी कॉटन का ही, कॉटन लॉन पे बना हुआ है,
और ये वाला ड्रेस भी कैजुअल व्यूज़ के लिए लिया गया है कि घर में आराम से ये सारे ड्रेस को पहन लेगी। उसके बाद जो है एक ड्रेस और दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा शोक कलर में है और ये स्टिच किया हुआ है, और बाकी ड्रेस जो मैं दिखा रही हूँ वो स्टिच किए हुए नहीं है। जब स्टिच हो जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी स्टिच के बाद ड्रेस कैसे लग रहे हैं। और ये वाला फ्रॉक जो है ये थोड़ा शोक कलर का है, आतिशी कलर में था, ये कंट्रास्ट में है, मतलब इसके साथ जो दुपट्टा दिया है वो जॉर्जेट का है और इसके साथ जॉर्जेट का दुपट्टा जो है वो कंट्रास्ट में दिया है। फ्रॉक स्टिच किया हुआ है, इसमें सिर्फ स्लिप्स लगाना बाकी है। इसका कलर जो है आतिशी कलर आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा। एम्ब्रॉयडरी इसमें बहुत अच्छी बनी थी, इसका घेर जो है बहुत प्यारा सा है। और अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ड्रेस है वलीमे का, और ये लाइट पीच कलर है, बट इसमें थोड़ा पिंक पिंक सा दिख रहा है, पिंक नहीं, ये लाइट पिंक पीच कलर जो होता है ना वो कलर है, और ये नेट पे बना हुआ है और ये फ्रॉक है, ठीक है। और ये भी अनस्टिच है, जब स्टिच हो जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेंगे। इसका दुपट्टा मैं दिखाती हूँ, दुपट्टे में जो चारों तरफ पल्लू बने हुए हैं और जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत अच्छी लग रही है। जब ये सिल जाएंगे ना उसके बाद बहुत अच्छे लगेंगे, तो सिलने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी अनस्टिच है इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ये वलीमे का ड्रेस है। और इस ड्रेस के बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बारात का ड्रेस, और बारात का ड्रेस देखने के लिए आप लोगों को मुकम्मल वीडियो देखनी होगी, इसको छोड़कर मत भागिएगा क्योंकि बहुत छोटा सा ब्लॉग मैंने शेयर किया है और जो आप लोगों से ज़्यादा लंबा नहीं है इसलिए बोर नहीं होना है। जी तो ये बहुत ही प्यारा सा रेड मेहरून कलर में शनील पे और जॉर्जेट पे बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये है बारात का ड्रेस, और ये यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस है। और ये जो घेर दिखा रही हूँ शनील का है, ये शरारे का घेर है, बट इसका शरारा नहीं बनेगा, इसका बनेगा प्लाजो, मतलब कि लाचा जिसको कहते हैं, प्लाजो बनाने वाले हैं हम, और उसको आप लोगों को मैं कैटलॉग दिखा रही हूँ। इस तरह का ये ड्रेस है, क्योंकि अभी ये पीस में है अनस्टिच है तो इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को कैटलॉग शेयर कर रही हूँ। और ये ड्रेस इस तरह का है, बस इसकी शरारे की जो डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं क्योंकि हम इसका प्लाजो बनाने वाले हैं, शरारा नहीं बनाएंगे। जब ये सिल जाएगा बहुत प्यारा लगेगा, आप लोगों से वो सिले हुए ड्रेस भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैं आप लोगों को अनस्टिच बारात का ड्रेस दिखा रही हूँ, और ये रेड मेहरून कलर में है। और मैंने जो आप लोगों को वलीमे का ड्रेस दिखाया है वो भी अनस्टिच था, तो उसका भी कैटलॉग में दिखाना भूल गई थी, तो ये देखिए अभी आप लोग देख लें, वो भी जो वलीमे का ड्रेस है ना वो कुछ इस तरह का है, और इसी तरह की उसकी स्टिच होगी, तो ये आप लोग कैटलॉग में देख सकते हैं और कलर भी देख सकते हैं, कलर भी कुछ पिंक पिच टाइप का कलर है, और ये कैटलॉग में डिज़ाइन आप देख लें।